अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। आज हम अरबी की कचौरियाँ बनाने वाले हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं और बनाने में बहुत ही आसान। अरबी की इन कचौरियों को आप सुबह नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों को स्कूल में टिफ़िन में दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं और लंच में भी बना सकते हैं। इस कचौरी को आप हींग के अचार के साथ खाएं या मूंगफली की चटनी के साथ खाएं या आलू टमाटर की रस्से वाली सब्जी के साथ खाएं। ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं अरबी की कचौरियाँ। अगर आप किसी को नहीं बताएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि अरबी की कचौरियाँ हैं, बच्चों को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। आइए देखते हैं इसको बनाने की रेसिपी। अरबी की कचौरी बनाने के लिए हमने ये 250 ग्राम अरबी ली हैं, 2 कप आटा लिया है गेहूँ का आटा और 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चुटकी हींग। ये सारी इंग्रेडिएंट्स हमने कचौरी बनाने के लिए लिया। सबसे पहले हम अरबी को पानी से धो के साफ करके अच्छे तरीके से कुकर में बॉईल करेंगे। हमने 1 गिलास पानी डालकर अब अरबी को बॉईल करने रखेंगे। 1 सीटी लगाएंगे हम। ये देखिए हमारी अरबी बॉईल हो चुकी हैं। इस तरह हमने इसको प्रेस किया तो दब रही है। ये अरबी हमारी बॉईल हो चुकी है। अब हम इनका छिलका उतारेंगे। इस तरह से सारी बॉईल अरबी का छिलका उतार के अलग रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से बॉईल हो गई हैं। इसे हम एक बाउल में रख लेंगे। इस तरह से हमें सारी की सारी अरबी छीलनी है और छिलका उतार के सब एक अलग बाउल में रखते जाएंगे। इस तरह से ये देखिए हमने सारी बॉयल अरबी का छिलका उतार लिया है। अब हम इसे मैश करेंगे। सारी अरबी हमें जिस तरह आलू मैश करते हैं इस तरह से बॉयल हो गई है तो बहुत इजीली वो इस तरह से मैश हो रही हैं। सारी की सारी अरबी को अच्छे तरीके से पूरा एक भी ऐसे गांठ सा ना रहे, पूरी चिकनी सी उसको मैश करेंगे। ये सारी अरबी अच्छे तरीके से मैश हो गई है, एकदम चिकनी। अब हम इसमें सारे मसाले मिलाएंगे। इसमें हम 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डाला हमने, 1 चम्मच अजवाइन डाला है और ये 1 चुटकी हींग। अब हम इसमें आटा मिलाएंगे। पहले हम इसमें हाफ आटा डालेंगे, यानी हम 1 कप आटा डालेंगे और जब हम इसे गूंथेंगे हमें ज़रूरत होगी तो फिर ऐड करेंगे। इन सबको ऐसे मिक्स करते हुए हमें डो तैयार करना है। पानी अभी हम ज़रा भी नहीं डालेंगे क्योंकि जो अरबी हैं वो बॉयल हैं और उनमें एक चिपचिपापन होता है। जैसे आलू में इतना चिपचिपापन नहीं होता, हमने मैश किया तो वो एक साथ बंधा हुआ सा रहता है, लेकिन अरबी में आप देख रहे हैं वो हाथों में चिपक रही है तो उसी चिपकने का जो इसमें है लिबलिपापन, उसी से आटा हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमने पानी एक बूंद भी नहीं डाला और धीरे धीरे सारा का सारा आटा बंध रहा है, जिस तरह हम पूरियों के लिए आटा बनाते हैं एकदम कड़क डो, उसी तरह तैयार होता जाएगा। ये देखिए अभी भी गीलापन लग रहा है। सारा आटा जब सोख लेगा और अगर गीलापन है तो फिर हम उसमें आटा मिलाएंगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर मिक्स नहीं करेंगे। लगभग सारा का सारा आटा
अरबी में मिक्स होता जा रहा है। और ये देखिए हमारा कड़क डो तैयार हो रहा है, हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं और अभी आटा भी नहीं मिक्स करना है क्योंकि जितना हमने 1 कप आटा डाला है सफिशियंट है। बस इसे आटे को चिकना करना है हमें कि वो बराबर से एक जैसा हो जाए सारा आटा। हमारा एकदम कड़क आटा तैयार हो गया, जिस तरह हम पूरियों का एकदम टाइट डो बनाते हैं, ये देखिए। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, इस तरह से तेल डाल करके पूरे आटे को ऐसे चिकना कर देंगे दोनों साइड से। अब हम ये प्लेट हटाएंगे और आटे को फिर से पंच करेंगे। ये देखिए तेल लगाने की वजह से आटे में नरम हो गया है, ये देखिए नरमपन आ गया आटे में। अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे, जिस तरह हम सभी कचौरियों के लिए बनाते हैं। पहले सारा का सारा आटा एक बार फिर से चिकना कर लिया, इसके 2 पार्ट्स कर लिए और छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे, इस तरह रोल बना करके, इस तरह इक्वल साइज में सारे बॉल्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सारी इक्वल साइज बॉल्स बना के अलग रख लिया। अब हम एक बॉल को लेंगे, इस तरीके से रोल करेंगे, फ्लैट करेंगे, और हल्का सा ऑयल लगा लेंगे पहली बार ताकि चकले पे ज़रा भी चिपके नहीं, और फिर रोलिंग पिन से इसको रोल करेंगे। इस तरह से हमने ये 7-8 कचौरियाँ बेल के रख ली हैं, अब हम इन्हें तलेंगे। हमने एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है, जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें कचौरियाँ तलेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें कचौरियाँ डालेंगे। ये देखिए हमने कचौरी डाल करके इसे ऐसे घुमाएंगे, हल्के हाथों से बीच में से प्रेस ज़रूर करें कचौरी या पूरी कोई भी चीज़, जिससे वो बहुत अच्छे से फूलती है। ये देखिए फूल गई, अब इसे पलट देंगे। दोनों साइड से हमें सुनहरा होने तक तलना है। ये देखिए छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी कचौरियाँ, और जब दोनों साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी फिर इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए कचौरी तैयार है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से सारी कचौरियाँ तलेंगे हम। अरबी की कचौरियाँ बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। ये रेसिपी मेरी मम्मी जी की है, मेरी मम्मी बनाती हैं ये अरबी की कचौरियाँ, और उन्होंने मुझसे बोला कि तुम अपने चैनल पर जब अब रेसिपी डालो तो किसी दिन अरबी की कचौरियों की रेसिपी ज़रूर डालना, तो इसलिए आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अरबी की ये गर्मा गर्म कचौरियाँ आप सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं, चाय के साथ बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये अरबी की कचौरियाँ बहुत ही टेस्टी लगती हैं, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और एक बार आप बनाएंगे तो दोबारा ज़रूर बनाएंगे। ये हमारी सारी की सारी कचौरियाँ तैयार हो गई हैं, अब हम इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। हमारी सारी की सारी अरबी की कचौरियाँ तैयार हो गई हैं, अब हम इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये हींग के अचार के साथ और ये मूंगफली की चटनी, ये दोनों रेसिपी मेरे चैनल पे हैं, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ये देखिए मूंगफली की चटनी, शेंगदाने की चटनी और ये आम का हींग का अचार। आप इसे आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। आलू टमाटर की सब्ज़ी की रेसिपी मेरे चैनल पर है, मैं उसका लिंक भी शेयर करूँगी। और ये गर्मा गर्म अरबी की कचौरियाँ बहुत ही टेस्टी हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये गर्मा गर्म अरबी की कचौरियाँ, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मूंगफली की चटनी और हींग का अचार, आलू टमाटर की सब्ज़ी की लिंक भेज दूँगी मैं, और आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।